नरेंद्र मोदी जनसभा नु संबोधन करेंगे ते पीएम दे दौरे नु लेके जो सुरक्षा है सिक्योरिटी है उसके पुख्ता प्रबंध जो ने सख्त प्रबंध किए गए ने आने वाले दिनों से जैसे जिक्र करिए ते जम्मू कश्मीर च भी असेंबली इलेक्शंस ने ते उस तो बाद हरियाणा च भी असेंबली इलेक्शंस ने जम्मू कश्मीर च असेंबली इलेक्शंस तीन गेट च होने ने 18 सितंबर 25 सितंबर ते 1 अक्टूबर जे असीं गल करिए हरियाणा असेंबली इलेक्शंस दी हरियाणा असेंबली इलेक्शंस 5 अक्टूबर नु होने जा रही है यानी कि 8 अक्टूबर नु जम्मू कश्मीर ते हरियाणा दोवें ही असेंबली इलेक्शंस दे रिजल्ट ऐलाने जाणगे इस दे विचाले अज जो है चोन रैली दा शंखनाद करन जा रहे ने पीएम नरेंद्र मोदी जैसे गल करिए 4 दहाकियां बाद पहली बार देश दे किसे पीएम दी डोडा च रैली होने जा रही है अज डोडा च रैली करेंगे ते उस तो बाद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा च जो है वो चोन रण नु पखाणगे ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਜੌਲੀ ਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਬੰਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਜੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਚ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ हिमाचल च हिंदू संगठना दे वल्लों अज बंद दी कॉल दित्ती गई है पहला इस तो पहला संजौली च काफी प्रदर्शन होया सी हिंदू संगठना दे वल्लों जो मस्जिद सी उसकी नाजायज उसारी नु लेके आ पूरा जो है प्रदर्शन कीता गया सी तनावपूर्ण तस्वीरां सामने आया सी ते कल तमाम तस्वीरां एक तो बाद फिर सामने आया सी मंडी तो जिथे की वड्डी तादाद जो हिंदू संगठन दे लोग सी जुटे सी ते जबरदस्त प्रदर्शन उन्हां दे वल्लों कीता गया अगे वधांगे ते गल करांगे दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल दी 170 दिन बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल तो रिहा हो गए तिहाड़ ते बहाल केजरीवाल दा शानदार स्वागत पार्टी वर्कर्स ने आगुआं दे वल्लों कीता गया वर्दे मीच वी जो लीडर सी समर्थक सी ओ खड़े रहे तिहाड़ तो चन्नी ग्राम अखाड़े तक रोड शो कढ़िया गया अज दोपहर 12 बजे दिल्ली दे हनुमान मंदिर जाणगे अरविंद केजरीवाल ते केजरीवाल दा कहना है कि मेरे लई दुआवां करन वालियां दा शुक्रिया देश अज नाजुक दौर चो गुजर रहा है राष्ट्र विरोधी ताकतां देश नूं अंदरों कमजोर कर रही ने देश के लोगों एक दूजे नाल लड़ाया जा रहा है न्यायपालिका ते इलेक्शन कमीशन नूं कमजोर किया जा रहा है जांच एजेंसियां ते कब्जा किया जा रहा है कल देर शाम दे तमाम तस्वीरां तकरीबन 6:15 बजे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल तो बाहर आए तमाम पार्टी समर्थकों के वलों पटाखे वजाए गए ढोल नगाड़े वजाए गए शानदार स्वागत आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का उन्होंने वलों किया गया जेल तो बाहर आंदे ही अपने समर्थकों को संबोधन अरविंद केजरीवाल के वलों किया गया आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है केजरीवाल बहुत छोटी चीज है केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है देश इंपॉर्टेंट है हेलो देश के अंदर कुछ लोग कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है जजों को डराया धमकाया जा रहा है आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ईडी पे कब्जा किया जा रहा है सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी इसलिए लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ाऊं
और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, मेरे को हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया, लोगों का इतना मान सम्मान मिला। क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। अरविंद केजरीवाल नु सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिती, पर नाल ही कुछ शर्तां भी लाईयां। कोर्ट ने सीबीआई नु लेके भी कुछ तलख टिप्पणियां कीतियां। आप सुप्रीमो ते दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नु सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले च सीबीआई केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल नु जमानत दे दित्ती है। अरविंद केजरीवाल नु 10 लाख दे मुशलके ते बेल दित्ती गई है। ते नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तां दा भी जिक्र कीता है, जिस दे मुताबिक अरविंद केजरीवाल नु ट्रायल कोर्ट दे विच पेश होना पवेगा। केस ते कोई भी टिप्पणी नहीं करनगे, सीएम दफ्तर नहीं जाणगे, फाइल ते दस्तखत नहीं करनगे, सरकारी कामकाज तो दूर रहनगे। फैसला सुनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइया ने सीबीआई ते सख्त टिप्पणियां कीतियां ने ते कहा कि पिंजरे दे विच कैद तोते दे अक्स तो सीबीआई दूर होवे, सीबीआई निरपक्ष होवे, शक तो परे होवे, 22 महीने तक गिरफ्तारी की लोड़ क्यों नहीं लगी। ईडी केस दे विच मिली बेल रोकण दे लई सीबीआई ने गिरफ्तारी कीती। गिरफ्तारी दे समय ते सवाल खड़े हुंदे ने, सीबीआई वल्लों कीती गई गिरफ्तारी अनजस्टिफाइड है, जमानत नियम है, जेल अपवाद है, असहयोग का मतलब दोषी ठहराना नहीं, गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल सोच समझ के होवे, मुकदमे की प्रक्रिया सजा का रूप ना तारे। जिक्रयोग है कि कथित शराब घोटाले के ईडी वालों अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 गिरफ्तार किया गया, जबकि इस केस के 12 जुलाई में जमानत मिली सी। तो सीबीआई केस के केजरीवाल 26 जून गिरफ्तार किया गया, तो आखिरकार 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट तो जमानत मिल गई। कथित शराब घोटाले के इस तो पहला आप आगू संजय सिंह 6 महीने बाद जमानत मिली। दिल्ली के सबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल तो बाहर आए सन, तो हुण अरविंद केजरीवाल 177 दिनों बाद जमानत मिली है।